पंजाब हर काम में पहल करने वाला सूबा है, और वहीं बात की जाए खेलों की, जिसमें पंजाब ने हर खेल में नाम चमकाया है और पंजाब के खेलों के प्रबंध देखने योग्य होते हैं। वहीं बात की जाए ग्राउंड की तो एक से बढ़कर एक शानदार ग्राउंड पंजाब में मौजूद है, पर इन ग्राउंड की देखरेख और बुरे हालात पंजाब सरकार और खेल विभाग के सामने बड़े सवाल खड़े करते हैं। फरीदकोट से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। ये स्टेडियम 2012 दे विच इहदी ओपनिंग हुई सी, 2013 उदों ये पूरा बनिया नहीं सी। सो 2013 च असीं पूरा चंगी तरह इहनूं स्टेडियम नूं शुरू कीता। 2013 तो जिहड़ा है अक्तूबर तो SGPC हॉकी अकैडमी ने जिहड़ा स्टेडियम टेकओवर कर लिया सी। उन्होंने एक तरह का रेंट ते लिया सीगा जी, जिहदे चों बिजली का बिल जमा कराउंदे सी ते थोड़ी बहुती इहदी मेनटेनेंस करदे सी। डिपार्टमेंट नाल इहनां दा MOU साइन होया सीगा। सो साडे उदों डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हुंदे सी करम सिंह, उन्होंने इन्हों नूं सारा स्टेडियम यूज़ करने लिए देता से। उस तो बाद हुण इन्हां ने जिहड़ा हैगा 9 साल उन स्टेडियम का डेटा चार्ज इन्हां कोल ही रहा। सेंटर इत्थे नो डाउट साडे दोनों दे चलदे सी, जिहड़ा डिपार्टमेंट का कोचिंग सेंटर भी चलता सी ते इन्हां दी अकैडमी भी चलती सी। ट्रेनिंग असीं इकट्ठे ही करदे सी आलमोस्ट, उहदे सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ मेन प्रॉब्लम यह आई जिहड़ा MOU सी उहदे अकॉर्डिंग वी जदों इन्हां ने स्टेडियम छड्डना सी ते इन्हां ने 1 मंथ दा नोटिस देना सी वी असीं स्टेडियम छड्डना, पर इन्हां ने कोई नोटिस दिता नहीं। जदों ये समान चकना आए असीं इन्हां नूं कहा भी भाई तुसीं पहलां साडे डिपार्टमेंट नूं इनफॉर्म करो फिर तुसीं समान चको, ते फिर इन्हां ने साडे कहन ते हैड ऑफिस नूं मेल कीती भी असीं स्टेडियम जिहड़ा हैगा खाली कर रहे, असीं अपनियां दोनों अकैडमियां उत्थे लै के जाणियां ने ते जिहड़ी इहदी रिपेयर ते मेनटेनेंस दा काम होऊगा असीं करावांगे। ठीक है जी, इन्हां ने 31 मार्च तक अजे तक उहदा बिल पे कीता, 2 महीने दा बिल भी जिहड़ा, क्योंकि 1 मंथ जे नोटिस दिंदे आ ते जिहड़ा मई दा सारा बिल सी इन्हां ने पे करना सी, हजे तक इन्हां ने वो बिल भी पे नहीं किया। असी वार वार इन्हां नूं फोन करते इनफॉर्म भी कर रहे भी घट्टो घट तुसीं बिल तो पे करो नहीं तो इहदा कनैक्शन कट्टिया जाऊगा। हुण की इलाका है हुण साडे डिपार्टमेंट ने इहदे जिहड़ा हैगा एसटीमेट लवाया, साडे कंस्ट्रक्शन विंग दे JE आए सी, उन्हां ने जिहड़ा अंदर इन्हां ने बिल्डिंग लई सी उहदा सारा एसटीमेट लग चुका। 16 लाख तो उत्ते दा जिहड़ा एसटीमेट है हैड ऑफिस ने जो जिन्नी कोई मैनू जानकारी उहदे अकॉर्डिंग भी इन्हां नूं भेजता, रिटर्न च कागजी कार्रवाई जिहड़ी पूरी हो चुकी है। बाकी देखो भी असीं इन्हां नूं फोन ते भी कह रहे भी तुसीं घट्टो घट आ के इहनूं चैक तां करो भी तुहाडे तुसीं आपदा भेज दिओ बंदा इह तां जिहड़े काम होण वाले बणिया स्टेडियम उहनां नूं टेक ओवर दित्ता गया सीगा। हांजी, पर हुण जदों छड्ड के गए फिर 16 लाख का खर्चा कदा बणदा है? 16 लाख भी इह जिहड़ी अंदर बिल्डिंग उह यूज़ करदे सी उहदी कंडीशन बहुत माड़ी, छड्ड के गए आ, सारे बाथरूम खत्म हो चुके आ, लक्कड़ दा सारा काम होण वाला, दरवाजे सारे जां गले पए जां टुट्टे पए ने, जिहड़े इलैक्ट्रिसिटी दा सारा काम होण वाला, सारे स्विच तोड़ते, पक्खे अद्धे खराब ने, इस तो अलावा सारा वाइट वाश का अंदर काम होने वाला, कितों कितों टाइलों से पत्थर भी टुटिया पाया। सो ओवरऑल जो अंदरली बिल्डिंग वह सारा काम होने वाला। ठीक है जी, जो ये नवा जो फोन आया 2012 उस तो बाद कि लैवल दिन इतनी खेडा हो चुकी हैं? सर एक तो जरा ऑल इंडिया इंटरव्यू जो ऑल इंडिया बाबा फरीद गोल्ड कप हाकी टूरनामेंट हों जो साढ़े खड़े है सीनियर प्लेयर बाबा फरीद हॉकी क्लब वाले कराते हैं। इस तो अलावा असी एसोसीएशन वालों इतने स्टेट लैवल के टूरनामेंट तक कराते रहे, जिहड़ियां पैप्सू की स्टेट होंगी कंटीन्यूअसली होंगी रही। कोचिंग सेंटर साढ़े दो नो डाउट दोनों के वधिया चलते रहे। इस टाइम भी इस साल की जे मैं गल करा एज कोच होने नाते, साढ़े करोना तो पहला 25 तो 30 बच्चे पंजाब की हरेक अकैडमी के खेडते पे, हुण 12 बच्चे फरीदकोट के जिहड़े नैशनल वख-वख नैशनलों के खेडे आ, जिहदे 2 बच्चों का तो खेलो इंडिया नैशनल के मैडल आया गोल्ड मैडल, हुण मुंडा फिर जूनियर इंडिया दे विच कैंप दे विच आ मुंडा प्रदीप, ते उस पक्षों कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, सानू साडा वधिया काम आ। सिर्फ यह है भी हुण असीं टूरनामेंट कराउणा अंदरली जिहड़ी बिल्डिंग दी कंडीशन माड़ी है, मतलब उहदा मैसेज गलत जांदा, जिहड़ी मेंटेनेंस आ उन्होंने सही नहीं कीती, मेंटेनेंस जाण लगे उह करा के नहीं गए, सिर्फ उन्होंने ओनी कोई मेंटेनेंस करदे जिहदे नाल जिहड़ा टर्फ दा काम जे कोई मोटर खराब होई आ निक्का मुट्टा कोई पुरजा खराब उह कराउंदे रहे नो डाउट। ग्राउंड दा की हाल आ? एस्टोटर वेखो भी 10 साल हो गए आ हुण इहदी रिपेयर होण वाली है, कितों कितों जिहड़ा रन ऑफ एरिया अंदरों तां बिल्कुल ठीक है, रन ऑफ एरिए तो बेस बैठा आ, उह जिहड़ी कंपनी आम तौर पर हुंदा वी जिहड़ी लाउंदी आ उही कर सकदी आ, आम बंदा इहनूं कर नहीं सकदा क्योंकि थल्ले बेस जिहड़ा किवें बनना है टैक्नीकल काम है पूरा। इस तों अलावा प्रॉब्लम आउंदी सी वी जदों अकैडमी चली जांदी सी इत्थे कोई रात दा चौकीदार नहीं हुंदा, सो कई वारी चोरी होई है, जिवें आ ड्रेन दे उत्ते जंगले पए आ 15 तों 20 जंगले चोरी करके लै गए जिहदा इक दा भार 20 किलो, स्प्रिंकल सिस्टम 10 साल हो गए हुण इहदी रिपेयर होण वाली, इहदे भी जिहड़ा हैगा साडे डिपार्टमेंट दे आ के ना जिहड़े उपर कंस्ट्रक्शन विंग दे अफसर आ इहदा भी एसटीमेट लग चुका, हुण देखो वो प्रोसैस चाहे भी कदों पैसा रिलीज़ होके इहदी रिपेयर हुंदी उहदे टाइम लग सकदा। वर्ल्ड कप 33वां टूरनामेंट हो रहा साडा, इहदे विच
तकरीबन 12 टीमां असी रखियां सी, पहलां हुण साढ़े 10 आ रहियां, उहदे विच इंडिया दीआं तकरीबन ए ग्रेड टीमां टॉप टीमां आ रहियां, इंडियन एयरफोर्स, BSF, पंजाब पुलिस, सिंध बैंक की मेन टीम आ रही जिहदे च ओलंपियन खेड रहे आ, ते EME, पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेंट्रल रेलवे बॉम्बे, ASC बेंगलोर, वो जिहड़ी अजकल जलंधर आ गई है, इदां साढ़े कोल 10 टीमां आ। तो बाकी ग्राउंड तो प्रभावित होंगे जी, जो असं खड़ाने उन्होंने पानी दिता जाता, स्लिपरी भी हो जाती है, तो उन्होंने कोच सानू ऑब्जेक्शन भी करते हैं, 2 साल तो सानू यही हो रहा। इहदी सफाई वास्ते जिहड़ियां मशीनां वो भी है नहीं गईयां, वो भी खराब हो चुकियां, हुण सफाई दीयां मशीनां भी उत्थे पईयां, कोई डिपार्टमेंट दे नहीं रहा जिहदे नाल ग्राउंड साफ की जाए। तो दूजा जो पानी दिंदे आ इहदे च बड़ी दिक्कत आउंदी है पानी देण च, जिवें उस कॉर्नर ते जां उस कॉर्नर ते बच्चां नूं लाया जांदा, बड़ा मुश्किल हो जांदा। की सरकार नूं की अपील करदे आ? हाँ जी, सरकार तो की मंग है? साडी सरकार तो यही मंग है जी, एक तो यह मशीन साफ करने वालियां दित्तियां जाण ग्राउंड, दूजा यह है भी इहदी मेंटेनेंस की जाए। हुण पुलां दी हालत देखो की है जी, असीं हुण असीं करावांगे, इस तों पहलां सारा इहनां नूं ठीक करावांगे। ते बाकी इह भी आ जिहड़ा साइड ते है जां होर आ, वेखो इहदा वाइट वाश होवे, बाथरूम सारे ठीक होण, टीमां आउण, उहनां नूं दिक्कत ना आवे जी। जिवें फरीदकोट दे साढ़े 5-6 ओलंपियन होए आ, उन्हां च इंदर सिंह, उस तों बाद प्रेमा सैनी, रूपा सैनी, चंद सिंह, जिहड़ा रजिंदर सिंह सीनियर आ उह वी इत्थे ही पढ़ के गया, उह वी ओलंपियन इत्थे, रुपिंदरपाल सिंह, ते साढ़े इस तरह दे ओलंपियन ने फरीदकोट ने पैदा किए आ। तो सानू माण है कि इन्हां ग्राउंडां चों गए, जिवें बरजिंदरा कॉलेज की ग्रासी ग्राउंड च खेडदे, असीं भी खेडदे रहे हां, असीं भी गां नैशनल गए हैं, तो क्या इत्थे बहुत प्लेयर पैदा किए हैं फरीदकोट ने। तो हुण सानू ये है भी अज साडी ग्राउंड ठीक हो जाए, सारा हो जाए, होर भी बच्चे आउण, तो असीं प्रोग्रेस कर सकन बच्चे साढ़े। जी स्टेडियम के हालात नूं लैके देखो, स्टेडियम के हालात दसण तो पहला मैं थोनों इहदी हिस्टरी दसनी चाहुंदा है। 1992 विच बाबा फरीद हॉकी क्लब होंद जो आया, तो उदों तो लैके लगातार 2018-19 तक आल इंडिया लैवल पर टूरनामेंट चलता रहा। ये टूरनामेंट साडा हॉकी इंडिया नाल अफिलेटेड है। 19-23 तक जिहड़ा टूरनामेंट है इंडिया च होर किते नहीं होगा, ये कल्ला फरीदकोट ही होगा हॉकी इंडिया दे कैलेंडर ते आ। ये डेटा बाबा फरीद हॉकी क्लब दे ने जिहड़ा टूरनामेंट ऑर्गेनाइज करना है उहदे लई फिक्स कीतियां गईयां हॉकी इंडिया वल्लों। 1992 तो लैके 2010 तक असी लगातार ये मंग करते रहे हैं, सानू पैसे गौरमेंटा तो भी सानू पैसे की कोई लोड़ नहीं, सानू तो फरीदकोट हाकी की नर्सरी है इत्थे लई अस्ट्रोटर्फ बना के दिता जाए। अखीर साड़ी ये मंग 2010 विच पूरी हुई, जदों इत्थों दे स्थानक MLA किशन कुशलदीप सिंह ढिल्लों दी रहमत करके, ते नाल उस वेले मनप्रीत सिंह बादल जिहड़े खजाना मंत्री सी, उन्होंने इस आस्ट्रोटर्फ नूं बनाउण लई बजट अजलास विच डिकलेयर कीता सीगा फरीदकोट विखे आस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लगेगा। ये 2012 विच होंद आ गया। उस तों बाद ये थोनू पहला कौ साहब ने दसता भई ये 2013 च इत्थे श्रोमणी कमेटी दियां अकैडमियां आ गईयां, श्रोमणी कमेटी ने टेक ओवर कर लिया। ये तुसीं आप भी देख लिया, ते आपां फोटोग्राफी भी कीती है। इत्थों दा जिहड़ा बिल्डिंग है ते ग्राउंड दा आउटसाइड एरिया बड़ी तरसयोग हालत विच आ, उन्होंने ये बड़े रफ ते टफ तरीके नाल वरत्या। हुण जे इहदा पूरा इहनू पूरी देख दी देनी होवे तां घट्टो घट 15-20 लख रुपये का खर्चा है, और साडे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने श्रोमणी कमेटी नूं वो एस्टीमेट बना के भेज दिता है। उम्मीद करते हैं भी ये श्रोमणी कमेटी इहदी रिपेयर करो।